नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हुआ है, तो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं और किसान भाइयों की भी एक शिकायत रहती है कि जो पशुपालक भाई हैं उनके जो पशु हैं वो हीट में क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों क्या उसके कारण है और क्या आप ऐसा इलाज या घरेलू उपाय आप अपने पशुओं के साथ ट्राई कर सकते हैं जिससे कि आपका पशु 100% चांसेस हो जाते हैं कि आपका पशु हीट में आए। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई और भी समस्या है अपने पशुओं के साथ बीमारियों के बारे में, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पशु हीट में आखिर क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पशुओं का जो गाय और भैंस में हीट पीरियड होता है आने का, तो वो होता है 18 से 21 दिनों के बीच में पशु जो है हीट में आते हैं। ठीक है, और दोस्तों पशुओं का इसी के साथ पशु का वज़न भी मायने रखता है पशु में हीट लाने का। दोस्तों बात करें गाय की, तो दोस्तों जो हीफर होती है ना, उसका जो वज़न होना चाहिए वो 250 किलोग्राम होना चाहिए, और जो भैंस होती है उसका वज़न 300 किलो तो होना ही चाहिए जब वो फर्स्ट टाइम हीट में आ रही है। ठीक है दोस्तों, सो गाइस यार हमारे जो बहुत पशुपालक भाई हैं वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो दोस्तों पशु की जो है ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों पशु हीट में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। यानी कि पशु का कमज़ोर होना, कुपोषण की कमी जिसे हम कह सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, दोस्तों हमारा जो पशु होता है कई बार बाहर से बॉडी स्ट्रक्चर से जो है देखने के लिए पशु बिल्कुल हट्टा कट्टा रहता है, स्ट्रांग दिखता है, लेकिन दोस्तों जो उसका अंदर का जो ऑर्गन होते हैं जैसे सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, जहाँ पर जो है उसके जो है हीट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर पशु अंदर से कमज़ोर होगा तो आपका पशु हीट में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों दूसरा हो जाता है कि पशु में मिनरल मिक्सचर की कमी। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों कई बार क्या होता है कि पशु में इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है जिसके चलते भी आपका पशु हीट में नहीं आता है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका पशु जो है हीट में तो आता है, लेकिन वो आता है साइलेंट हीट में, जिसका जो है हमारे पशुपालक भाइयों को पता ही नहीं चलता कि कब हमारा पशु हीट में आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे बहुत से और भी कई कारण हैं जिससे कि आपका जो पशु है वो हीट में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक घरेलू नुस्खा मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान सा नुस्खा है, इसे आप अपने घर में आजमा सकते हैं अपने पशु पर। और दोस्तों अगर बात करें मेडिसिन की, तो दोस्तों मेडिसिन का एक पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा मेडिसिन के बारे में। ठीक है, आज आप जो है इस घरेलू नुस्खे को जो है ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों घरेलू नुस्खे में आपको क्या करना है, दोस्तों जायफल का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत से पशुपालक भाइयों ने सुना भी होगा, ये बहुत कारीगर जो है फल होता है। लेकिन फ्रेंड्स जो जायफल होता है वो अगर आपके पास घर में नहीं है, तो किसी भी अगर आपके घर के पास कोई पंसारी की दुकान है तो वहाँ पर आपको बड़ी आसानी से वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको उस जायफल को लाना है। और दोस्तों जायफल जब आप अपने घर में ले आएंगे तो उसको क्या करना है कि आपको आग के ऊपर पकाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों आग के ऊपर पकाने के बाद आपके घर में बेलन होगा, तो आपको उसको क्या करना है कि उसका चूरक बनाना है, यानी कि उसको पतला करना है। ठीक है, तो दोस्तों पतला जब आप उसको कर दोगे, दोस्तों जो जायफल होता है ये गर्म होता है, काफ़ी गर्म होता है, तो इसे आप पशु पर ही ट्राई करें, खुद इसको खाने की कोशिश ना करें, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों बेलन से आपने इसको पतला कर दिया, अब इसके बाद अगर आपका पशु सीधे तरीके से इसको खा लेता है, यानी कि आप अपने पशु को चटा देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
अगर इस तरीके से नहीं खा रहा है तो आपको क्या करना है, या आपके घर में दाला है उसका थोड़ा सा आपको पेड़ा बनाना है, उसके अंदर उसको डाल देना है, जो जायफल है उसको डाल देना है। उसको डालने के बाद दोस्तों आप क्या करें कि थोड़ा सा गुड़ उस पेड़े में मिक्स कर दें, क्योंकि दोस्तों पशुओं को जो है खाना पसंद होता है, गुड़ पशु खाते हैं, तो गुड़ के साथ वो पशु ईजिली खा लेगा, ठीक है। और दोस्तों अब क्या करना है कि 3 दिन तक आपको इस नुस्खे को आजमाना है, ठीक है। ये घरेलू नुस्खा है, ये कारीगर करता है दोस्तों। 3 तक एक एक पेड़ आप पशु को इस तरीके से जो है जायफल का अपने पशु को 3 दिन तक दें, और दोस्तों आप देखोगे कि आपका पशु हीट में ज़रूर आएगा, ठीक है। दोस्तों ये आप गाय में भी कर सकते हैं और भैंस में भी इस फॉर्मूले को आप कर सकते हैं। दोस्तों ये पुरखों द्वारा बताया हुआ एक नुस्खा है, मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इंटरनेट पर देखा और ट्राई भी किया है लोगों ने। तो दोस्तों इस नुस्खे को आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि पशु हीट में क्यों नहीं आता है, मेडिसिन के द्वारा आप अपने पशु को हीट में कैसे ला सकते हैं। पहले आप इस नुस्खे को ट्राई करके ज़रूर देखिए। और दोस्तों अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी किसान भाई या फिर वेटनरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो वो हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।